नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ अभी। नगरीय निकायों और पंचायतों के फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण संबंधी प्रथम चरण की कार्यवाही की प्रेक्षक द्वारा समीक्षा। उमरिया में 19 मार्च राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन और नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए 1 जनवरी 2020 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्य की प्रथम चरण की कार्यवाही और प्रगति की राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक केसी मिश्रा द्वारा आज कलेक्टर सभागार में समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंकित आस्थाना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग सिंह, SDM पाली नीलमणि अग्निहोत्री, रजिस्ट्रीकरण और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के प्रमुख नगर पालिका अधिकारी, मास्टर ट्रेनर APC सुशील मिश्रा उपस्थित रहे। प्रेक्षक श्री मिश्रा ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 3 चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण की कार्यवाही जारी है। आपने बताया कि मतदान केंद्रों के युक्तकरण के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर संशोधन की कार्यवाही कर ली गई। आपने कंट्रोल टेबल का परीक्षण कर संशोधन होने पर आयोग के निर्देशानुसार यथोचित हस्ताक्षर और डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन करने, शिफ्टिंग सूची विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा की गई मार्किंग की रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच और सत्यापन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आपने कहा कि नगरीय और पंचायतों की मतदाता सूची के अपग्रेडेशन में मतदाताओं का लिंगानुपात सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने कहा कि वे स्वयं इस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां भी आवश्यकता होगी वहां मास्टर ट्रेनर के माध्यम से दोबारा गहन प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आपने कहा कि जिन क्षेत्रों में मतदाता सूची में लिंगानुपात कम है उन्हें चिन्हित किया गया है और उन मतदाता केंद्रों में विशेष सतर्कता रखी जा रही है।